श्री राम। भाइयों, जैसा कि आप लोगों को बोला था कि आज रिव्यू करेंगे अपनी बाइक का। ये सैंडस्टॉर्म करके एक मॉडल है अपना, रॉयल इनफील्ड बुलेट का, जिसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी और यूनिक लगती हैं और बाइकों से, उसी वजह से ये बाइक परचेज़ की गई थी। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये लोगो इसमें लगे हुए हैं, इससे एक फीलिंग आती है जो कि फीलिंग है अपनी आर्मी वालों की, और आर्मी से जुड़े होने का एक एहसास होता है, लगता है कि हाँ आर्मी वालों का। ये मेरी बाइक जो है, ये मॉडल है 2020 नवंबर दिसंबर, लगभग 2021 ही है, और ये इसका नंबर एक अच्छा सा मिल गया था तो लिया। और आपको इसके अलावा भी आपको और बहुत सी चीज़ें इसमें मेंशन करता हूँ। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये बाइक ली क्यों ली, इस वजह से कलर, ये इस वजह से लिया क्योंकि ये कलर और जितनी भी बाइक हैं उनसे अलग है। रॉयल इनफील्ड किस वजह से ली, क्योंकि एक जो अपना भारतीय ब्रांड है उसको लेने का बहुत मन था और वो लेने की वजह से ही ये ली है। दूसरा, इस बाइक का सबसे अच्छी एक चीज़ जो है वो ये है कि इंडियन मार्केट में इसके मैकेनिक हर जगह अवेलेबल हैं। तो आइए बताता हूँ इसके शुरुआत से कि किस तरीके से मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराए लेने के बाद में। पहले इसके प्लस पॉइंट्स ही देख लेते हैं। तो जिस दिन मैं शोरूम से लाया था उसी दिन रॉयल इनफील्ड बुलेट का एक शोरूम करोल बाग में है, जो एसेसरी का है, उसका रॉयल इनफील्ड के नाम से ही है, रॉयल एसेसरी, और वहीं ले जाके मैंने फर्स्ट डे में ही इसका ये चेंज कराया था। तो इसकी सबसे पहले हेडलाइट जो थी वो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से थी वो मैंने ली। इसमें कोई भी कार्य वो नहीं कराया जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई वायर कटिंग हो या फिर कुछ ऐसा हो, तो इस वजह से सब काम वो कराए जो कि उसमें थे। ये लाइट चेंज कराई, नंबर प्लेट का ज़्यादातर होता क्या है कि नंबर प्लेट को आप देखते हैं मुड़ जाती है या फिर टूट जाती है, तो उसके पीछे एक प्लेट लगती है ये, जिससे कि उसको सपोर्ट मिल जाती है। इसमें मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा सा होल करने थे वो खराद पर ले जाकर फिर कराने पड़े। उसके बाद में कुछ स्टिकर्स मैंने इसमें लगवाए जो कि मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ स्टिकर हम लगवा सकते थे। इंडिकेटर्स मैंने इसके चेंज कराए थे, इसकी जो अंदर है वो येलो LED करके लगी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अंधेरे में थोड़ा ले जाकर। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका लेग गार्ड जो कि नॉर्मल लेग गार्ड है, एक साथ में ये इंजन गार्ड आता है, ये भी चेंज कराया था। अलॉय व्हील इस वजह से लगवाया, अलॉय व्हील का वैसे कोई शौक नहीं था क्योंकि इसमें ट्यूबलेस टायर उस टाइम पे नहीं आते थे, और ट्यूबलेस टायर बहुत ज़रूरी है अगर जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो टायर चेंज कराने के लिए फिर वो रिम भी चेंज कराए, और रिम चेंज कराए तो अलॉय लगाए थे साथ में। इसके अलावा इसका मैंने हैंडल जो था वो चेंज कराया, उसकी वजह भी ये थी कि आप जैसा कि जानते हैं जो हमारी रॉयल इनफील्ड है इसमें वाइब्रेशन की काफ़ी दिक्कत है, और वाइब्रेशन की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए जो बीच में आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाइब्रेशन रॉड अलग से लगाई जाती है, जो 400-500 से लेके 600 रुपए तक की अलग अलग रेंज में आती है। तो मैंने उसको हैंडल को ही वो लगा दिया जिसमें कि ये रॉड परमानेंट लगी हुई थी, क्योंकि ये वेल्ड है तो जो वाइब्रेशन वो कुछ परसेंट कम करती है तो इससे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पड़ता नहीं है भाई, वाइब्रेशन जो कि अपनी 2022 से पहले के मॉडल हैं उसमें रहती रहती है। तीसरा, इसमें ये एक कवर आता है जिसे हम बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, हैंड ब्रेक का जो ऑयल होता है, प्रेशर ऑयल, प्रेशर गेज, उसके ऊपर ये कवर लगता है। तो इसमें R, मेरा नाम भी R से शुरू है, चैनल का नाम भी R से शुरू है, RRR AJT, तो मैंने ये R का लोगो इसमें लगवाया।
इसके अलावा एक ये मोबाइल होल्डर, ये ज़रूरी था क्योंकि जब हम बाइक पे निकलते हैं तो हमें दिक्कत आती है ज़्यादातर कि किस तरीके से मोबाइल को हैंडल करें। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर कम हैं और मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूँ, तो मोबाइल की मुझे ज़रूरत पड़ती है। इसमें चार्जिंग का भी पॉइंट दिया गया है जिससे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वायर कहीं कटिंग नहीं हुई और ये स्विच लग भी गए। इसमें दो स्विच मैंने अलग से लगवाए, एक ये स्विच है जो कि इसमें हज़ार सिस्टम जो लगता है, जो 4x4 लाइट्स जलती हैं जिसमें कि अलग अलग वो आता है, उसमें लगवाए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ये चला के, ये इस तरीके से काम करता है। और ये भी एक बात ठीक है कि ये लाइट जब ही जलानी चाहिए, जब हम कहीं हाईवे पर हैं या फिर कोई ऐसी नीड हो तो ही जलानी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं जलानी चाहिए। DRL शायद आपको पता नहीं दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसकी DRL शुरू हो जाती है जो कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। और मैं बंद कर देता हूँ। इसके अलावा जो ये लोगो है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये लोगो जो है वो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है और इसका जो कलर है वो फेवरेट है। एक जो इसका ग्लॉसी लुक है वो बड़ा अच्छा लगता है। और एक जो मैंने अपने मन से स्टिकर लगाए हैं वो ये हैं, हमारे हीरो, हमारे आइकॉन, हमारे देश के सबसे बड़े क्रांति वीरों में से एक, चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि इन्होंने कभी किसी की गुलामी नहीं की, तो ये बहुत पसंद थे मुझे। तो इनका मैंने एक स्टिकर यहाँ लगवाया, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम कोई भी चीज़ हो, हमारा घर हो, गाड़ी हो या कुछ हो, कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों को इस तरीके से ट्रिब्यूट देकर उनको दिल में बनाए रख सकते हैं। ये एक स्टिकर मैंने ये भी लगवाया, MIG देसी 49। ये आता दूसरी तरीके से है लेकिन मैंने इसमें MIG देसी लिखवाया, देसी अपना जो देसी ट्रेडिशनल है उसी हिसाब से। इसके अलावा फिर मैंने इसमें ये सीट कवर्स चेंज करा दिए थे, बैक साइड में ये सपोर्ट बैक की, जो कि पीछे हमारे कोई भी पैसेंजर बैठता है उसकी बैक की सपोर्ट भी होती है, और हमें भी इससे बेनिफिट मिलता है बाइक को आगे पीछे करने में, स्टैंड पे लगाने में तो बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक ये साड़ी गार्ड आता है, ये लगाया था बैक साइड में। नंबर प्लेट में सेम चीज़ थी, मैंने इसकी बैक लाइट चेंज कराई थी, उसमें जो अपनी LED टाइप की आती हैं वो डलवा दी हैं। बाकी साइलेंसर मैंने स्टॉक रखा है, ये एक मैंने साइड में छोटा बैग लगवाया था, बैग बड़ा फ़ायदेमंद है भाई, रेट बहुत सस्ता था इसका, मैं जहाँ तक ख्याल है 400-450 रुपये का था, लेकिन काम बहुत दे रहा है और लगभग एक साल हो चुका है। आप कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक है, वाटरप्रूफ तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है। साइलेंसर स्टॉक रखा है और ये RK के नाम से मैंने लिव फ्री राइड हार्ड, तो ये एक लोगो मैंने खुद ही उनसे करा के और लगा दिया था। RK इसका मतलब मेरा नाम, और ये R के नाम से ही, R से देखो मेरे को दोनों फ़ायदे मिले, R से रॉयल इनफील्ड बुलेट भी है और R से मेरा नाम भी है। तो साइलेंसर सेम रखा है। और इसमें अब आते हैं इसके पॉइंट्स पर, साल भर के रिव्यू पर। नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है, बाइक चलाने में कोई परेशानी नहीं, चलाने में मज़ा अलग है, और जो रॉयल इनफील्ड रख चुके हैं या रखने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये बात तो कंफर्म है कि आप लोग रॉयल इनफील्ड एक बार जो चला लेगा वो दोबारा इसे भूल नहीं पाता और इसी बाइक पे जाता है, तो वो सब मज़ा ये देती है। लेकिन सबसे माइनस पॉइंट जो लगता है मुझे, जिसके लिए मैं इसको शायद 2022 के बाद, क्योंकि नंबर इसका थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अलग से है, तो वो नंबर 3 साल बाद ही चेंज हो सकता है बाइक का, तो 3 साल मुझे ये रखनी पड़ेगी और उसके बाद शायद मैं नए मॉडल पे फिर दोबारा से जाऊँ और सेम कलर सेम मॉडल इसी तरीके का लूँगा। तो इसमें सबसे जो बुरी बात लगती है वो है ये कि इसका जो अपना पेट्रोल का जो जैसा होना चाहिए, जिस कीमत में ये आ रही है, लगभग 2 लाख रुपए की उस टाइम पे आ रही थी,
और इसमें मैंने टोटल जो एसेसरीज वगैरह लगवाई थी वो मुझे 36,000 समथिंग की पड़ी थी। इतनी महंगी बाइक लेने के बावजूद अगर जो पेट्रोल का एक मीटर नहीं मिल सका तो मैं बड़ा निराश हुआ। डिजिटल कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पेट्रोल का अब देने लगे हैं, वो भी रिज़र्व का, जो कि ज़्यादातर ऐसे ब्लिंक करता रहता है। थोड़ा सा भी ये इसमें हल्का पेट्रोल होगा तो आपका चलाते हुए ब्लिंक करेगा। कंफर्म नहीं हो पाता कि कितना इसमें पेट्रोल है कितना नहीं। दूसरा एवरेज, एवरेज आप लोगों को पता है कि एवरेज जो है इस बाइक की लगभग 22 से लेके 26 और 28 के बीच में होती है। और अभी आपको एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगा, मैं सर्विस स्टेशन में सर्विस अच्छी नहीं मिली। हो सकता है जिस सर्विस स्टेशन में मैं गया मुझे वहाँ ना मिली हो। मैं रॉयल इनफील्ड या सभी सर्विस वालों को नहीं बोलूँगा ये चीज़, लेकिन जैसा होना चाहिए और कस्टमर पैसा खर्च कर रहा है तो एक सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे बीच में इसमें ऑयल लीक, शुरू में ही पहली दूसरी सर्विस में ऑयल लीक का दिक्कत आई, तो उन्होंने यहाँ पे ये इस तरह की पेस्टिंग करके मुझे दे दिया, जो मुझे ठीक नहीं लगा कि इसको सही ढंग से किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। एक वजह नहीं ढूंढी उसकी, सिर्फ उसे ठीक करके दे दिया। तो मैंने इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई है, लेकिन मैं फिर भी इसको अब सर्विस स्टेशन में नहीं ले जाऊँगा। मन बनाया है कि इसकी सर्विस भारी कराऊंगा। और एक NCR मोटर करके हमारे भैया हैं जिनकी चैनल है, NCR राइडर के नाम से भी है, NCR मोटर के नाम से भी है। मन कर रहा है कि सर्विस उनसे करा के देखते हैं, उनका काफ़ी अच्छी नॉलेज है ये, तो इसमें तो नो डाउट है। अच्छे राइडर हैं, अच्छी चैनल है, अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, तो उनके पास ले जाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वहाँ मैंने सुना है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट काफ़ी टाइम की मिलती है। दिल्ली में कोविड का दिक्कत चल ही रहा है, तो कोशिश करूँगा कि उनसे अपॉइंटमेंट लूँ और फिर उसके बाद में कैसी सर्विस होती है वहाँ का भी मैं आपको रिव्यू दूँगा। लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं NCR मोटर वाले, ये तो कन्फर्म है। दूसरे एक जहाँ से मैंने एसेसरी लगवाई थी वहाँ मेरा ज़्यादा अच्छा, अब ये कह सकते हैं पर्सनली मेरा थोड़ा ठीक नहीं रहा। एसेसरी अब बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो वहाँ के ओनर थे उनका रिव्यू थोड़ा ठीक नहीं था। चैनल में कुछ और दिखता है, वहाँ जाते हैं तो बात करने का तरीका कुछ चेंज मिलता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। हालाँकि हो सकता है मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, उनका अपना बिहेवियर है, हमारा अपना बिहेवियर है। हमें ऐसा लगता है कि जाएंगे मिलेंगे तो दूसरा आदमी खुश होगा, कोई नहीं होता है, कोई होता है। तो आगे इसकी सर्विस भी कराएंगे तो आपको फिर वहाँ का भी रिव्यू दूंगा कि कंपनी में ना करा के अब जो मैं बाहर से करा रहा हूँ वो कराना ठीक है कि नहीं, ये भी पता लगेगा। और कमेंट कीजिएगा भाई, अभी शुरुआत है, बहुत सी गलतियाँ हो रही हैं, सही इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के अभी। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर आप जैसे ही पूरा करते हैं तो मैं एक कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें, जैसे मैंने माइक ख़रीद लिया है और मैं GoPro पे जाना चाह रहा हूँ, तो GoPro से एक ज़्यादा बेटर मुझे ऑप्शन मिलेगा। तो प्यार दीजिए अपना, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो जो बनती रहेंगी इसी तरह की और आपको दिखाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।